अरे जी गिर गया। अरे इस प्रकार भगवान महादेव को जो है कि आगे इस प्रकार से भगवान का जो है कि भस्मेश्वर जो है भस्मेश्वर का शिवालय जो आता है हमारे ज्योतिर्लिंग में, तो भस्मेश्वर महादेव कैसे उनकी ख्याति हुई, कैसे की स्थापना हुई, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कहते हैं कि पूर्व काल में एक ब्राह्मण रहते थे, वो ब्राह्मण जिनका नाम सुधर्मा था और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। बड़े सदाचारी थे, वैदिक वेद विधि के अनुसार अपना जीवन बिताने का प्रयत्न बिताते थे, धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी जो सुदेहा थी वह भी सुलक्षणा थी, धर्मपरायण थे। किसी बात का यहाँ पर अभाव नहीं था, अभाव सिर्फ एक बात का था कि संतान का अभाव था। ठीक है, कोई पुत्र नहीं हुआ उनके यहाँ अभी तक। जब बहुत समय निकल गया, बीत गया, सुदेहा को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो सुदेहा ने जो है अपने पति से कहा कि आप वंश वृद्धि के लिए दूसरा विवाह कर लें, मैं नहीं चाहती कि आपका वंश यहीं समाप्त हो जाए, वंश वृद्धि होना चाहिए, परंपरा चलना चाहिए, वंश परंपरा का विस्तार होने के लिए बोले आप दूसरा विवाह कर लें। सुधर्मा ने निषेध कहा कि बोले नहीं, मैं तुम्हारे पति एक को ही मैंने वरण कर लिया, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन सुदेहा ने बार बार निवेदन किया और कहा कि मेरी बहन सर जो भस्मा नाम की उसी से आप विवाह कर लें, तो वो तो मेरी बहन है, हमारे बीच में कोई सोतिया राह नहीं रहेगा, हम वैसे भी बहन बहने हैं, हमारे प्रति दोनों के अंदर आत्मीय भाव है। यदि आप ये बात से डरते हैं कि मैं कहीं विवाह कर लूंगा तो इनके अंदर सोतिया राह होगा, किसी प्रकार से द्वेष रखेंगे एक दूसरे से, तो बोले मेरी बहन भस्मा है उसके साथ आप विवाह कर लें तो हम दोनों बहन की तरह रहेंगे, बहन है ही, क्योंकि बार बार निवेदन करने पर कहते हैं कि सुदेहा ने जब बार बार कहा अपने पति से तो सुधर्मा ने कहते हैं कि विवाह कर लिया भस्मा से। समय आने पर कहते हैं भस्मा के यहाँ पर जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब तक पुत्र नहीं हुआ था तब तक तो दोनों बहन बड़े आनंद के साथ रहती थी, प्रेम भाव से एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव था। लेकिन जब भस्मा को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो सुदेहा ने देखा कि घर में पति भी और आस पड़ोस में अन्य लोग भी, समाज में लोग भी जो है भस्मा का ज्यादा आदर करने लगे, क्योंकि वह पुत्रवती थी और सुदेहा का कोई पुत्र नहीं था, तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, भस्मा का विशेष सम्मान होता था। इस बात को देख करके कहते हैं कि सुदेहा के मन में अंदर ईर्ष्या भाव आ गया, द्वेष भाव आ गया। वो पुत्र कालांतर में बड़ा भी हुआ, उसका विवाह हो गया, घर में बहू भी आ गई। एक दिन कहते हैं कि जब सुदेहा का अंदर ही अंदर द्वेष भाव अधिक प्रबल हो गया, अब वो विचार कर रहे कि मौका पाकर के इस पुत्र को मार दिया जाए ताकि वो भस्मा भी पुत्रहीन हो जाए, जैसे मैं पुत्रहीन हूं वैसे इसका भी पुत्र ना रहे। कहते हैं कि एक दिन जो है उसने सुदेहा ने मौका पाता के और उस पुत्र को जो है विसारी देकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रक्त रंजित सैया जब सवेरे बहू ने देखा रोने लगी, और जो भस्मा थी वो भगवान की महादेव की बड़ी अनन्य भक्त थी, प्रतिदिन पार्थिव पूजन करती थी। जब कहते हैं कि वो प्रतिदिन की तरह भस्मा, नियम था कि जब तक पार्थिव पूजन करे तब तक किसी से बोलती नहीं थी, कोई बातचीत नहीं करती थी,
मौन भाव से रहती थी। पार्थिव पूजन विसर्जन के बाद ही वो कहते हैं कि अपना व्यावहारिक जीवन शुरू करती थी, प्रारंभ करती थी। प्रातः काल जब देखा वर्षमा ने उसकी बहू ने पुत्र वधु ने कि वह रो रही है, रदन कर रही है, उसके पति का जो है वर्षमा के पुत्र का टुकड़े टुकड़े कर दिए गए शरीर के, रक्त रंगित सैया पड़ी हुई है। कहते हैं कि वर्षमा ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी रोई नहीं, विलाप नहीं किया, अपना दैनिक क्रम जो पूजन का था, पार्थिव पूजन का, वो करती रही। और जब कहते हैं कि भुष्मा पास में ही जो तालाब था उसमें प्रतिदिन विसर्जन करने जाती थी इस पार्थिव शिवलिंग का, इधर उसके पुत्र के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कर कहते हैं कि वो सुधीहा ने पहले ही उस तालाब में डाल रखे थे। जब वह कहते कि उधर विसर्जन करने गई तो उसे वहां पर अपना पुत्र जो है देखने को प्राप्त हुआ, मिला। इस प्रकार से सुधीहा ने कहते कि अपने भगवान की भक्ति में दृढ़ता रही, दृढ़ तत्पर रही। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी वो रोई नहीं थी, अपना शिव भक्ति में, शिव पूजन में लगी रही थी। उसके इस भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने कहते कि उसके पुत्र को पुनर्जीवन भी प्रदान किया और जो उसने वहाँ भगवान की स्थापना की थी वो घुष्णेश्वर के नाम से क्या घुष्मा ने स्थापना की थी, इसलिए वही कहते कि घुष्णेश्वर महादेव कहलाए। बोले घुष्णेश्वर महादेव की जय। वो वहाँ पर आज भी आप लोग जैसे जाते हैं औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र प्रदेश में है, वहाँ पर घुष्णेश्वर शिवालय जो बोला जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग में, तो ऐसा वहाँ पर उस स्थान की स्थापना हुई। ऐसे जो ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया, आगे हरीश्वर नामक भगवान का महादेव का जो शिवलिंग है उसका वर्णन करते हैं कि हरीश्वर महादेव Thank you.
के लिए श्री कृष्ण भगवान भी भगवान शिव की आराधना की। कृष्ण भगवान ने स्वयं भी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कोई पुत्र नहीं हुआ था तो कहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कहते हैं महादेव की आराधना करने के लिए कैलाश पर गए और वहां पर जाकर के उपमन्यु जो भगवान शिव के परम भक्त थे उनसे भेंट हुई और उपमन्यु से कहा कि आप मुझे उपदेश करें, आप परम सहित हैं, भगवान शिव के देवाधि महादेव की परम भक्त हैं, आप मुझे उपदेश प्रदान करें। और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर माताएं कथा श्रवण कर रही है। कृष्ण जी से कहा कि श्री कृष्ण महाशैव महिमानं महेशतो एवं दर्शात महान संभोर भक्ति वर्धन मत्तमान। यहाँ का जो वातावरण है भगवत में हो चुका है, भगवान शिव की महिमा को मैंने देखा बोले और भगवान को इस प्रकार से प्रसन्न किया जा रहा है। आज साक्षात रामायण चल के आ गई यहाँ भगवान श्री कृष्ण को पार्षद का उपदेश किया जो है इसको आप करेंगे, इसके द्वारा करेंगे आपकी कामना पूर्ण होगी। उपन्यास में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्षद का जो है ध्यान करने वाले को आप कहते हैं कि जो छह महीने आदि जो भी उसकी अवधि सावधिक कहते कि संकल्प करके और भगवान महादेव की आराधना करे शरीर में जो कहते हैं भस्म रमा करके वो है और उस पार्षद व्रत का जो अनुष्ठान करता है शिव की आराधना करता है भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करता है ऐसे उस अनुष्ठान को विधिवत यदि करता है जितने समय के लिए उसने संकल्प लिया है एक वर्ष छह महीने महीना भर आदि जो भी है अथवा एक दिन तक का भी उसका वर्णन आता है पार्षद ऐसे कोई भी मैंने अपनी सुविधा अनुसार कथा सब बताई गई हाँ देख के जाओ बाबा वहीं बैठ के सुन लेंगे जाओ महाराज के Thank you.
इतना ही तो माया का काम, यही माया है। शरीर को हमने मैं मान लिया और शरीर से संबंधित जितने भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदि जो भी है उनको अपना मान लिया, मेरा मान लिया, ये मेरा है। तो मेरा वो नहीं हो सकता, माने आपको वो पता चला है कि दो शब्द है, एक अहम और दूसरा ईरान, थोड़ा सा ईरान है, कठिन है या समझ लेना। तो जो अहम है, जो मैं है, वो ये ईरान नहीं हो सकता है, और जो ईरान मेरा का व्यवहार करता है, तो यही जो माया का तुम पता है। इसका विषय क्या है? इसी संदर्भ में जो माया के वशीभूत जीव है उन्हें अपने पाप कर्म के फल में भोगने के लिए नरक का वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार से यमराज के नरक भैया आज काय की सब्जी बन रही है? आज भैया वो बन रहा है अपना दाल वाफले बना रहा है। दाल वाफले बना रहा है पर ये भरता है क्या? भरता तो देखिए ये शाम का भोजन बन रहा है और कितनी मेहनत करते हैं ये लोग आप लोगों के लिए भोजन प्रसादी बनाने के लिए, और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कथा चल रही है, भक्त कथा सुन रहे हैं। इधर पे नहीं माता बहनें जो है अपने सब्जी काट रही हैं। आज काय की सब्जी बनने वाली है भाई? हाँ दाल बापले है और भरता है काफी है। आलू छिल रहा है, आलू दाल बापले में डलते क्या? कल के लिए, कल भंडारा है ना, कल क्या बनने वाला है भाई? नहीं कल बनने वाला क्या है? हाँ बूंदी आलू सब छोले की सब्जी और पूरी है। नहीं ठीक है भाई, और ये कल के लिए बूंदी आज से बनने लगी, देखिए भंडारा के लिए। देखिए प्रसादी सबको ही खाते हैं, भोजन सबको ही खाते हैं, लेकिन भोजन बनाता कौन है ये आज तक कोई दिखाता नहीं है, लेकिन कौन बनाता, कितनी मेहनत करता है ये सब आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दिन आगे में इतनी गर्मी में देखिए कितने तप रहे हैं और भोजन बना रहे हैं, आप लोगों तक ये भोजन पहुँच रहा है भगवान की प्रसादी स्वरूप। तो इन लोगों की जो मेहनत है उसको भी हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, कितनी मेहनत करने के बाद में लोग प्रसादी अपने हमारे लिए प्रसादी तैयार करते हैं, प्रभु को भोग लगता है, प्रभु प्रसादी को पाते हैं। तो धन्यवाद इन लोगों को भी जो गुरुदेव के भंडारे में आए और भोजन प्रसादी तैयारी कर रहे हैं। और ये भरता हुआ तैयारी चल रही है यहाँ पे, और ये दाल वाफला आज शाम के दाल वाफला की जो है पंगत चलेगी। और जहाँ तक मेरा प्रयास है आश्रम में जो भी भक्त लोग हैं
और माता रानी की प्रतिमा है, शिवलिंग है, सबके दर्शन में आप लोगों को करा रहा हूँ। ये बटेश्वर महादेव जी हैं, माता जी नर्मदे हर। माता जी आप कौन से जिले से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र पुणे से आए हैं आप दोनों माता जी? तो आप नर्मदे भैया परिक्रमा में कितने दिन हो गए माता जी आपको? 3 महीना पूरा हो गया। 3 महीना पूरा पैदल परिक्रमा है आपकी? पैदल भी करते और गाड़ी में बैठते हैं। तो माता जी परिक्रमा पूरी कहाँ होगी आपकी? अभी मार्च एंड ओमकारेश्वर में पूरी होगी। तो आप लोग अभी मेरे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज के आश्रम में हैं। हाँ। और कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा है। आप यहाँ कब पधारे? दो तीन दिन हो गए। दो तीन घंटे हुए। तो माता जी आपको कैसा लग रहा है इस आश्रम पे आके? बहुत अच्छा है। तो आप रुकेंगे अभी क्या? माता जी रुकिए, कल भंडारा है, फिर भंडारे की प्रसादी पाकर फिर जाइएगा आप लोग। और माता जी एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, आप थोड़ा नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, थोड़ा महत्व बताइए नर्मदा मैया का। नर्मदा मैया मैया ही है और वो सब मनोकामना पूर्ण करती है जी। हाँ, और कोई भी परिक्रमा में दिक्कत नहीं आती। यदि दिक्कत आ गई तो भी मैया से। तो आप दोनों माता ही है साथ में? हाँ। आपके साथ मेरी छोटी बहन है। कोई पुरुष साथ में नहीं है? ना है बाबा जी, है ना। तो माता जी आप परिक्रमा से पहले आप लोग क्या करते थे? मैं सर्विस करती थी, टीचर थी। सरकारी? सरकारी टीचर थे। तो आपकी उम्र क्या है अभी? 74 74 वर्ष। वाह माता जी आपको प्रणाम है, क्योंकि आपने देखो साथ की सेवा में भी आपने ज्ञान मतलब बांटा है, बच्चों को शिक्षा दी, उसके बाद आप नर्मदा मैया के पावन तट पे परिक्रमा कर रही हैं और हम लोगों को भी मतलब आपके दर्शन हो गए हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? धन्यवाद जी। धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद माता जी। आपको कोई मोबाइल नंबर हो तो बोलिए ना। 8600002688844। शुभ नाम आपका? निर्मला कुलकर्णी। निर्मला कुलकर्णी, धन्यवाद माता जी आपने इतना समय दिया। और माँ नर्मदा भी आपकी जो परिक्रमा कर रही है वो सफल करे और आप दोबारा फिर आए यहाँ पर इस मार्ग पर हमें दर्शन देने के लिए नर्मदे हर। माता जी यूट्यूब पर मेरे चैनल है प्रेमीला नाम से। नहीं दूसरी परिक्रमा चालू होने वाली है ओमकार से। आप ओमकार से तो फिर दूसरी कर देंगी? मेरे आने वाले ना घर वाले तो फिर आप दोबारा करेंगी? दोबारा पैदल करेंगी? वो भी नहीं, वाहन से करेंगी। माता जी आप जहाँ भी रहे याद रखिएगा गुरुदेव बादामगिरी महाराज के आश्रम पे कोई मिला था आपको, है ना, क्योंकि मोबाइल नंबर के जरिए मैं तो आपसे जुड़े ही रहूँगा। अब नर्मदे हर माता जी। तो माता जी ने मेरे चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब किया है और माता जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद दे जाइए कि मैं जो चाह रहा हूँ वो हो जाए माता जी नर्मदे मैया कृपा से। नहीं और जीवन रात आपसे फिर मुलाकात होगी, भेंट होगी। नर्मदे हर नर्मदे हर। थक गए का बाबा जी? कमर दर्द कर रही है। कमर दर्द करने लगी काम कर करके? चलिए विश्राम करिए। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर बाबा जी। कैसा लग रहा है गुरुदेव के आश्रम पे आके? हाँ कर बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा जी आप महाराष्ट्र से हैं, मैंने माता जी से पता कर लिया है। हाँ। और आप लोग आज रुके, कल भंडारा है, प्रसादी करके ही कल जाए और अभी भी भोजन प्रसादी तैयार हो रहा है शाम के भी। आज तो रुकेंगे ना आप? अभी माता जी को पूछता हूँ। बाबा जी आज तो रुक जाइए, बाबा जी इतना विशाल यज्ञ चल रहा है। अच्छा, है ना। नर्मदे हर नर्मदे हर। भूरे लाल भाई आश्रम में लगभग मैंने आपको सारे आश्रम का दर्शन करा चुका हूँ और ये बाहर से इधर से आते परिक्रमावासी लोग भक्तगण भी इधर से आते हैं और ये जो मेन रास्ता है गुरुदेव के आश्रम में यहाँ से प्रवेश करते हैं और ये है परिक्रमा मार्ग। इधर पे कोकसर जो है गौर शंकर महाराज जी के समाधि स्थल है वहाँ पर जाते हैं। आगे परिक्रमा मार्ग यहाँ से आगे बढ़ता है बंडुआ होते हुए तालनगरी होते हुए और यहीं से कुछ दूर पे 1.5 किलोमीटर दूर है सात धारा, जहाँ नर्मदा मैया की सात धार है।
तो 1 किलो 1.5 किलोमीटर दूर है, तो पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। जाते हैं बाबा लोग दर्शन करते हैं, वहाँ भी जाकर बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी आज कौन सा भजन आप सुनाने वाले हैं बताइए। अमर कथा न सुनाई भोला तुमने, अमर कथा न सुनाई। तो बाबा जी सुनाइए, लाखों लोग आपके लिए, आपके भजन को सुनने के लिए तरस रहे हैं। अरे अमर कथा रे भोला जन्म जन्म की दासी तुम्हारी, ऊसर काई छिपाई भोला, अमर कथा भोला मुहि न सुनाई। तो बाबा जी ये कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? राई ग्वार सुनो संकारा भोला, अमर कथा रे तुम न मोहि। ये गोरा माता भगवान भोलेनाथ से बोल रही हैं कि अमर कथा तूने मोहि न सुनाई। आरित्य ग्वार चतरंग नार तुहान हरि भर माई, अरे ते गोरा रे चतरंग नार है तुहि पान हरि घर माई, लाख चौरासी रे यानी भोग जबाई मनुष्य तन पाई, अरे जे कोई कथा रे हमारी सुन है कोई अमर हो जाई रे भोला, अमर कथा रे भोला कोई न सुनाई जाऊ रे मन भाई। वाह बाबा जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही। अरे एक दिन अरे नारद मुनि आए, अरे बिन रे मोहि सुनाई, एक दिन नारद मुनि आए नहीं न मोहि सुनाई रे भोला, हमारे कथा रे बोला सुनाई। ये वीडियो निकालना से टीम ये मेरे मन भाई चावी में भंडारा किया था कन्या का, मेरे घर पहुंच गया था टीवी में देख लेते बच्चे अरे चावी बोला ना डमरू बजाई, जब भूला नर डमरू बजाई जिया रे जान भाग जाई, जब भूला नर पोती खोली आगंबर फैलाई रे भूला, अमर कथा न होने वाली आरती की। नारायण जी
Hey.
Thank you.
ऐसे रह गए हों जो मंच पर आकर उन्हें आशीर्वाद